वहीं मेरठ पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। एसपीआई साहब, थाना रोहटा में अवैध फैक्ट्री बरामद हुई है और क्या क्या असले पकड़े गए हैं, किन किन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना रोहटा पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब और अवैध हथियार पर मेरठ पुलिस ने एक अभियान छेड़ रखा है, जिस क्रम में कल थाना रोहटा को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ग्राम कूट खास में एक ईक के खेत में अवैध शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। तुरंत ही दबिश देकर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम दानिश, सावेज और असलम हैं। ये लड़पुरा भवनपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से कई सारे अधबने तमंचे, नाल, आरी, रेजर, लकड़ी की बट, मोटर ग्राइंडर मशीन और कई सारे बने तमंचे बरामद हुए हैं और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।